करेक्शन है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि एरर्स क्या क्या होते थे, है ना। चेनिंग करते हैं हम लोग चेन या टेप से, तो क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, है ना। वो एरर्स कैसे नेचर के होते हैं, पॉजिटिव क्या कैसा होता होगा, नेगेटिव कैसा होगा, है ना, ये सब हम लोगों ने जाना। अब हमें जानना है कि उनका करेक्शंस कैसे करेंगे, है ना। एरर्स हैं तो ठीक है, लेकिन उससे उसका हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे, ये हम लोग को जानना है। तो वहाँ पे एरर्स में हम लोग देख रहे थे कि एरर्स कैसे कैसे थे। जैसे एरर्स थे कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से चेन का लेन लंबा हो जाता था, है ना। चेन का लेन लंबा हो जाएगा तो हम लोग जो छोटी मतलब छोटे एरिया बड़े एरिया को भी हम लोग छोटा बता देंगे, है ना। तो निगेटिव एरर हो रहा था, ठीक है। तो उसकी टेम्परेचर की वजह से एरर आ रहा था। फिर पुल अगर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, लोड कस के खींच देंगे, है ना, तो चेन का लेंथ बड़ा हो जाता था, है ना, तो उसकी वजह से एरर आ रहा था। स्लोप के लॉन्गर लंबाई मेज़र कर देते थे, तो ज़्यादा लंबाई मेज़र करना कर लेते थे हम लोग, है ना, तो वो एक्चुअल होता था नहीं था, उसको हम लोग करेक्ट करना होता था। उसी तरह सैग मतलब सैगिंग जो होता है उसके उस अगर वो हो रहा है तो भी हमारा चेन का लेंथ वैसा नहीं रह पाता था जितना हम समझ रहे हैं। 20 मीटर का चेन कुछ और हो जाता था लेंथ, तो उसकी वजह से भी एरर आती थी। तो अब इन सारे जो चीज़ के एरर आता था उसका करेक्शन कैसे करेंगे, जैसे टेम्परेचर की वजह से जो एरर आ रहा है उसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे हम कि टेम्परेचर करेक्शन सी फॉर करेक्शन, टी फॉर टेम्परेचर। वैसे ही पुल की वजह से जो करेक्शन होगा वो सी फॉर करेक्शन और पी फॉर पुल, ठीक है। पुल मतलब खींचने, ज़्यादा कस के खींच दोगे तो लंबाई बढ़ जाती है, कम खींच के भी अगर पकड़ोगे तो लंबाई छोटा दिखने लगे, है ना। तो स्लोप करेक्शन की वजह से होगा उसको CH बोलेंगे, मतलब हाइट का करेक्शन जो हो रहा है, ठीक है। और सैग करेक्शन की वजह से जो होगा उसका जो वजह से करेक्शन होगा उसको हम CS बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे कि इसका ना हेडिंग है कि चेन एंड टेप करेक्शन है, जिसमें पहला पॉइंट टेप करेक्शन बताया हुआ और टेप करेक्शन में इन सब को रखा हुआ है, जो नीचे चार दिख रहे हैं, ठीक है। तो टेप करेक्शन की वजह से इस वजह से रखा गया है कि इन सब को रखा गया है टेप करेक्शन के अंदर, क्योंकि ये सब जो करेक्शन है ना, टेम्परेचर की वजह से जो थर्मो एक्सपेंशन होता है, पुल की वजह से होता है, सैग की वजह से होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं ना, रफ वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी वजह से थोड़ा सा चेन का लेंथ बढ़ ही गया तो उतना इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, है ना। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो ये इन सब का अगर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है तो बहुत एरर हो जाएगा ना, और एरर होगा तो इम्पोर्टेंट वर्क है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये सब जो है हम लोग को ये लगाना पड़ेगा। तो और इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है वो हम लोग जनरली जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे चेन चूँकि बहुत रफ़ इंस्ट्रूमेंट होता है तो वहाँ पे हम लोग उसको ना करके टेप का यूज़ करते हैं, जो भी अच्छा क्वालिटी टेप है, खास करके बेस लाइन जो एरिया का मेज़र करते हैं वो, तो ठीक है, तो वो अच्छे टेप से इसे मेज़र कर देते हैं हम लोग। तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो हम लोग करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हम लोग टेप करेक्शन रहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है टेप से करते हैं तो उसका करेक्शन भी होना चाहिए अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसका नाम टेप करेक्शन रखा गया, ठीक है। हालांकि ये अप्लाई जो है सब में होगा, चेन में भी होगा, चेन में भी अगर हम चेनिंग कर रहे हैं, अगर ये सब थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर की वजह से कितना होता है ये सब पता है हम लोग को कि एरर कितना होता है तो करेक्शन कर सकते हैं ना, लेकिन इसका नेम जो है टेप करेक्शन दिया गया। तो वही बात यहाँ पर लिखा होगा कि ऑर्डिनरी चेनिंग दिस करेक्शन आर नॉट रिसेसल, ये वो ज़रूरी नहीं होता है साधारण से कामों में, बट इन इम्पॉर्टेंट एंड प्रिसाइज वर्क करेक्शन अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द केसेस टेप इज़ यूज्ड फॉर प्रिसाइज वर्क, है ना, तो टेप यूज़ होता है, इसलिए ऐसे करेक्शन को जो हम टेप करेक्शन कहते हैं, ठीक है। चेन में भी देखेंगे तो चेन में सिंपल सा करेक्शन का रूल अप्लाई हम लोग करेंगे, लेकिन ये सब थर्मल अपूल ये सब जो है और सैक के वजह से ये हम लोग इसको टेप करेक्शन कहेंगे, हालांकि ये हम चेन में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगा कर सकते हैं, इनका नाम टेप करेक्शन दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं ये सब को अलग अलग, टेम्परेचर करेक्शन क्या है, पुल करेक्शन क्या है, स्लोप करेक्शन क्या है, सैक करेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन CT, तो उसका जो है फॉर्मूला दिया हुआ है कि वो होगा टेम्परेचर के करेक्शन के वजह से CT इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू TM माइनस T0 इंटू L। अल्फ़ा जो है ये है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। TM है कि जब हम लोग मेज़रमेंट कर रहे थे फील्ड में थे
तब क्या टेम्परेचर था मेजरमेंट के टाइम में। टी नॉट है कि जब चेन का लेंथ 20 मीटर वाला चेन का लेंथ जब 20 मीटर मेज़र कर रहे थे, अब 20 मीटर था, तो वो टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पे जो है चेन का लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ का रहता है। मतलब 20 मीटर का चेन 20 मीटर का होगा, स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं ना, कि हम उस इसी पे स्टैंडर्डाइज किए थे हम लोग, है ना, कि 20 मीटर का चेन जो है 20 मीटर का है अभी। तो जिस टेम्परेचर पे था उसको टी नॉट बोलेंगे। टेम्परेचर एट, ये देखो टी नॉट के बारे में लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट विच द टेप वाज स्टैंडर्डाइज, मतलब 20 मीटर का चेन जो है 20 मीटर ही जहाँ मेज़र किया गया था वो, उस टेम्परेचर को हम लोग टी नॉट बोलेंगे। तो वो हमेशा गिवन होता है, इस चेन को हम लोग या इस टेप को हम लोग इतने डिग्री टेम्परेचर पर मेज़र किए थे तो ये 20 मीटर था, ठीक है। तो फील्ड के टाइम में अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो Tm माइनस टी नॉट जो है उसका वैल्यू कुछ आएगा, पॉजिटिव होगा, गुना कर देंगे थर्मल एक्सपेंशन से इनटू चेन का जो ओरिजिनल लेंथ है, जिस 20 मीटर दिया हुआ है तो 20 मीटर, तो ये बता देगा कि इतना जो है करेक्शन करना होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि इतना लेंथ बढ़ गया है। तो ओरिजिनल जो एल 20 मीटर का था 20 मीटर नहीं होके अब हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये चीज़ होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो समझ में आ गया हम लोग को कि कितना करेक्शन करना पड़ेगा, जो लेंथ हम लोग जो जानना है 20 मीटर है तो 20 मीटर ना होगे कुछ और होगा, ठीक है। या अगर ये जो है टेम्परेचर अगर कम होगा टी नॉट से, जितना पे 20 मीटर था जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था उतना से कम हो गया, बहुत ठंडे जगह पे हम कर रहे हैं टेम्परेचर, तो हो सकता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ये चीज़ छोटा है, ये इसमें से ये माइनस हो रहा है, टी एम माइनस टी नॉट हो रहा है, तो ये चीज़ अभी छोटा है, इसमें से ये बड़ा है, तो ये इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि करेक्शन हम लोग को घटाना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। ओरिजिनल लेंथ अगर 20 मीटर था तो अब चेन लेंथ कम है आपका, 20 माइनस समथिंग ओरिजिनल लेंथ, मतलब आपका उस टाइम में एक्चुअल लेंथ होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो ये हम लोग को समझ में आ गया पॉजिटिव कब आएगा निगेटिव कब आएगा, ठीक है। और इसमें इस फॉर्मूला से हम लोग को ये भी दिख गया कि जो टेम्परेचर करेक्शन होगा वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यही लिखा हुआ, साइन करेक्शन में भी पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू टी एम अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है इस पर डिपेंड करेगा ना। ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव होगा टी एम अगर टी नॉट से, अगर लेस देन है तो निगेटिव होगा, है ना। ये तो दिख भी रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा चेन का लेंथ, बढ़ जाएगा, है ना, ऐड करना होगा हम लोग को। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम माइनस में हो जाएगा करेक्शन, है ना। निगेटिव होगा तो मतलब चेन का लेंथ घट रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर करेक्शन एकदम ईजी था, है ना। सी टी इजक्वल टू होगा अल्फ़ा इंटू टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल ओरिजिनल लेंथ। ये चीज़ हो गया। अब है पुल करेक्शन, सी पी इजक्वल टू पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल बाई ए ई। फिर वहाँ पे पुल, चूँकि पुल के वजह से हो रहा है, खींचने के वजह से, अगर ज़्यादा कस के खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, जैसे वहाँ कैसे था ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, उसी तरह यहाँ पे है पुल के वजह से, तो ज़्यादा पुल करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो पी एम जो है कि जब हम मेज़रमेंट कर रहे थे तो कितना कस के खींचे थे वो है पी एम, एम फॉर मेज़रमेंट, मतलब वो पुल जो हम मेज़रमेंट के टाइम में लगा रहे थे वो पी एम हुआ। पी नॉट कि जितना 20 मीटर का चेन 20 मीटर जब था तो उस टाइम मेज़र करने के टाइम में जो है कितना पुल लगाए हुए थे, तो उसको स्टैंडर्ड पुल बोलेंगे, है ना। पुल पी नॉट के बारे में लिखा, पुल एट विच दी टेप वाज स्टैंडर्डाइज इन किलोग्राम्स, किलोग्राम में पुल होता है, मतलब क्या हुआ, पुल क्या है, पुल या पुश जो है बल है, तो उसको हम लोग न्यूटन में डिनोट करते हैं, और उसी को जी से डिवाइड कर दो तो वो किलोग्राम में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किलोग्राम में ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होगा पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई, जहाँ पे ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब चेन का कुछ ना कुछ मटेरियल होगा ना, या टेप जो है इसका कुछ मटेरियल होगा, इसको ऐसे करेक्शनली कट करेंगे तो वो जो एरिया हम लोग को दिखेगा साइड से वो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जनरली गिवन होता है वहाँ पे, है ना। ई जो होगा वो यंग्स मॉडुलस है उस मटेरियल का जिससे चेन या टेप बना हुआ है। तो समझ में आया, इसका फॉर्मूला होगा
फुल कनेक्शन का सीपी इज़ इक्वल टू पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल बाई ए। ए गिवेन होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई यंग्स मॉडुलस है, एल जो है वो स्टैंडर्ड लेंथ है, अगर 20 मीटर का चैन है तो 20 मीटर और 30 मीटर का चैन है तो 30 मीटर होगा। अब पी एम और पी नॉट है, पी मेजरमेंट के टाइम का पुल और पी नॉट जो है स्टैंडर्ड पुल जिसपे हम 20 मीटर था। अगर पी एम ज़्यादा लगा दिए हो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पी एम माइनस पी नॉट, पी नॉट से अगर ज़्यादा पी एम होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब चैन का लेंथ बढ़ गया है ना। अगर ये कम लगाओगे तो निगेटिव आएगा, चैन का लेंथ कम हो रहा है थोड़ा सा है ना, तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा। साइन कन्वेंशन, साइन ऑफ करेक्शन विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। पी एम जो है पी नॉट से बड़ा है छोटा है इस पर डिपेंड करेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आता है कि टेम्परेचर करेक्शन क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ निगेटिव या दोनों या कोई नहीं, इस टाइप का बात सब आएगा ठीक है ना। आगे में पता चलेगा कुछ कुछ करेक्शन ऐसा होता है जो सिर्फ निगेटिव ही होगा सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए ये बात जानकर रखिए कि जो सी जो टेम्परेचर के वजह से करेक्शन था और पुल के वजह से करेक्शन था वो दोनों निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है ठीक है, जो फॉर्मूला से दिख भी रहा है। अब नेक्स्ट है करेक्शन फॉर स्लोप, स्लोप करेक्शन, तो ये तो हम लोग पढ़े भी थे कि वही जो अगर चेनिंग जो है स्लोप पे लॉन्ग कर रहे हैं, ये मान लो कि अपना एक स्लोप है तो इसमें तो हम ज़्यादा लंबाई मेजर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल दूरी तो इतना ही होती है ना ये तो, और ये थीटा है तो एल कॉस थीटा ये दूरी होगी, एल कॉस थीटा है ना, तो एल 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 हम मेज़र कर लिए, एल कॉस थीटा एक्चुअल लेंथ है, तो करेक्शन कितना होगा एल माइनस एल कॉस थीटा होगा है ना, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एल इसमें कॉमन ले लिया, एल बाहर निकाल लिया तो एल तो वन माइनस कॉस थीटा हो, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो ये जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले कि तब जो स्लोप करेक्शन होगा वो ये होगा एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा ठीक है, या फिर इसमें जो है हम ये लगा देंगे, अगर ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर ये एल है, अगर या इसका एच पता हो, एंगल ना पता हो कि एच पता हो तो ये इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू होगा है ना, तो हम लोग मेज़र इसको एल कर लिए और एक्चुअल में ये है तो करेक्शन कितना होगा इतना माइनस इतना ना, जितना हमको करेक्शन करना है तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर एच पता हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो एल माइनस रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ठीक है। और इसी का या इसका जो भी बोलो इसका एक फॉर्म ये भी है कि अगर h पता हो तो डायरेक्टली h स्क्वायर बाई 12 भी लगाते हो तो लगभग ये वैल्यू जो आएगा वही अप्रॉक्स उतना ही आता है, इसलिए इसको अप्रॉक्स लिखा है। ये दोनों फार्मूला जो है एग्जैक्टली है भाई, मतलब ज्योमेट्री लगा के हम किए हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अगर ये भी लगा देते हो तो वही लगभग वही वैल्यू दे देगा h स्क्वायर बाई 12 ठीक है। ये तब लगाएंगे जब हाइट पता हो, ये भी तब लगाएंगे जब इसके इसके बीच का लेवल का डिफरेंस पता हो, ये तब लगाएंगे जब थीटा पता हो ठीक है। तो ये तो स्लोप करेक्शन हम लोग देख ही चुके थे, और ये कैसा होगा हमेशा निगेटिव होगा, स्लोप के अलॉन्ग हमेशा मेज़र कर रहे हो तो ज़्यादा मेज़र कर रहे होगे है ना, तो आपको करेक्शन कैसा करना होगा हमेशा घटाना पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ हमेशा कम होगा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा कम होगा तो ये हमेशा निगेटिव होगा। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, स्लोप करेक्शन क्या होता है तो लिखिएगा ऑलवेज निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव या बहुत, तो आपको लिखना होगा ऑलवेज निगेटिव ठीक है। अब सैग करेक्शन, सैग बताइए आप लोग को क्या होता है सैग, सैगिंग जैसे चेन को अगर हवा में पकड़े हुए हो तो एक हाथ से आप एक आदमी यहाँ पकड़े हुआ है एक आदमी यहाँ पकड़े हुआ है हवा में लटका हुआ है तो ये इस शेप में हो जाता है अपने वेट की वजह से, इसको सैगिंग बोलते हैं है ना। इसके वजह से चेन का लंबाई अगर ये 20 मीटर का रहा होगा तो थोड़ा सा अब कम हो जाएगा, तो कितना कम होता है ना, कितना कम होता है, कितना करेक्शन लगाना होगा हम लोग को, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और ये हमेशा क्या होगा, ये करेक्शन जो होता है हमेशा निगेटिव होगा, 20 मीटर का चेन है तो हमेशा कुछ ना कुछ ये वैल्यू आपको जो आएगा उसको अगर हटाना पड़ेगा, एक्चुअल में 19 पॉइंट समथिंग है, तो चेन सैग का जो करेक्शन होगा साइन ऑफ करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव ठीक है, हमेशा जो है निगेटिव होगा ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमेशा चेन लेंथ जो है छोटा हो जाता है आपका, 20 मीटर का चेन कुछ कम आपको वैल्यू बताएगा ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला यहाँ पर लिखा होगा आपको, ये दोनों फार्मूला सेम ही है, बस इसमें आपको दिखता होगा कि यहाँ पर W के जगह पे यहाँ पर W इंटू L लिखा हुआ है। इसको समझते हैं पहले, ये ओरिजिनल फार्मूला है, ये जो सैक का करेक्शन है वो L इंटू W स्क्वायर बाई 24 N स्क्वायर और पी एम स्क्वायर, जिसमें L जो है लेंथ ऑफ द चेन है स्टैंडर्ड लेंथ, अगर 20 मीटर का चेन है तो 20 मीटर, 30 मीटर का चेन है तो 30 मीटर, W जो है वो टोटल वेट ऑफ द चेन है ठीक है, समझ में आ गया, W टोटल वेट ऑफ द चेन है कि कितना भारी, तो वेट पे ही डिपेंड कर रहा है ना कि सैगिंग कितना, जितना भारी होगा उतना ज़्यादा सैगिंग होगा,
और भारा भी होगा तो ऐसे तो ना, और ज़्यादा सही होगा था, हल्का होगा तो खींच दोगे पूरा सीधा सीधी, है ना। तो एल समझ में आ गया, डब्ल्यू समझ में आ गया, और एन जो है, एन है कि ये नंबर ऑफ स्पैन, मतलब क्या करता है कि कभी कभी जैसे दो आदमी पकड़े हुए हैं तो ऐसा होगा, अगर वही तीन आदमी पकड़े हुए होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये ऐसे तो था ही है, यहाँ पे तीसरा आदमी आके और पकड़ लिया तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। तीन आदमी अगर पकड़े हुआ है तो बीच में अगर कोई आके और पकड़ लिया तो ये इस शेप को धारण कर लेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, स्पैन कितना है, बढ़ गया इसका, दो स्पैन बढ़ गया, ठीक है ना, ये दो स्पैन बढ़ रहा है ना। एन इस केस में हम दो लिखेंगे, और इस केस में अपना ये जो पहला वाला केस है, इस केस में एन जो है वन होगा, यहाँ पे जो है एन इक्वल टू वन, यहाँ पे एन इक्वल टू टू, ये है नंबर ऑफ स्पैन, ये लिखा हुआ होगा, एन जो है नंबर ऑफ स्पैन है, इसको नंबर ऑफ सपोर्ट भी लिखते हैं, मतलब नंबर सपोर्ट तो नहीं, मतलब कि सपोर्ट अगर तीन होगा तो आप समझ जाइए कि नंबर स्पैन दो होगा, है ना, नंबर ऑफ सपोर्ट से ये समझो, नंबर ऑफ सपोर्ट दो है तो स्पैन एक होगा। सिमिलरली आगे भी वैसे ही आप सोच सकते हैं। और पीएम जो है वो ये जो है, इससे पहले भी पीएम देखे होंगे कि पुल कितना आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेजरमेंट ये डिपेंड करता है सैगिंग पुल पे भी, अगर जो बहुत भारी है लेकिन फिर भी आप कस के खींचे हुए हो तो सैगिंग कम होगा, है ना। तो ये इस पे भी, और इस ये इसके कैसे है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम खींचोगे तो सैगिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा खींच दोगे तो सैगिंग कम होगा, है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा नीचे में है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पीएम जो है मेजरमेंट के टाइम में जो पुल लगा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा, ही जाहिर सी बात दिख रहा है। इस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस ये W के जगह पर स्मॉल W इंटू L लिखा हुआ है। तो ये स्मॉल W है कि वेट पर मीटर लेंथ, है ना, कि आपका पूरे चेन का नहीं लंबाई बताया, वेट बताया हुआ है, बताया हुआ है कि चेन जो है, चेन का हर एक एक मीटर इतना वेट का है, है ना, वेट पर मीटर लेंथ अगर बताया हुआ होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये वेट पर मीटर लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो फॉर्मूला यही रह जाएगा, है ना। तो ओरिजिनली आप ये रखिए याद, है ना, लेंथ वेट पर मीटर लेंथ दिया होगा तो टोटल लेंथ से आप गुना कर दीजिएगा तो टोटल वेट पता चल जाएगा। तो ये आप याद रखिए, है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही बात है ऐसे, ठीक है। और ये जो हमेशा सैग का करेक्शन होगा हमेशा निगेटिव होगा, जो कि हम बताए समझ में आ ही रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये सैग इसको समझ लीजिए अच्छे से, है ना, ये काफ़ी पूछा जाता है, इस पर करेक्शन न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, है ना, इसका एक एक टर्म समझना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। हाँ, करेक्शन तो हो गया, चारों था जो हो गया, अब एक नया टर्म आता है नॉर्मल टेंशन। तो वो क्या है, ये एक ऐसा ही है कि जब मान लो कि कोई जो है चेन है इस पे, इसमें सैगिंग हो रहा है ना, तो सैगिंग के वजह से ये इसका लंबाई कम होता है, जब खींचो इसको कस के पुल करो तो पुल के वजह से हम लोग को पता चल रहा था कि अगर बहुत कस के खींच देते तो लंबाई बढ़ जाता है। तो एक ऐसा पुल जिसके वजह से क्या होगा कि पुल के वजह से जो लंबाई बढ़ रहा हो और सैगिंग के वजह से जो घटता है दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए, तो वैसे पुल को हम नॉर्मल टेंशन बोलते हैं, है ना। द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल इज न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ सैग, ठीक है। और टेंशन क्यों बोल रहे हैं, द टेंशन एट विच लिख रहे हैं, फोर्स एट विच ये नहीं लिखे, क्योंकि ये टेंशनल फोर्स ही है ना, आप देख रहे हैं ऐसे खींच रहे हैं उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, कंप्रेसिव मतलब ऐसे उल्टा ऐसे होता तो कंप्रेसिव होता है ना, लेकिन ये वो नहीं है, ये टेंशनल मतलब ये जो फोर्स पुल अप्लाई हो रहा है टेंशन की तरह अप्लाई हो रहा है, इसको हम नॉर्मल टेंशन बोलेंगे। ऐसा पुल जहाँ पे पुल के वजह से जो इलोंगेशन होता है वो और सैग के वजह से जो शॉर्टनिंग है दोनों अपने आप में ये कंपनसेट हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, इसको हम नॉर्मल पुल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला जो है इसको लिख दीजिए, उसको बराबर कर दीजिए, और यहाँ पर जो पी निकल के आएगा वो पी जो है हमारा वही नॉर्मल पुल कहलाएगा। तो कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, सर सिचुएशन बता देगा, बोले एक नॉर्मल पुल बताइए, तो आपको दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे, सब कुछ दिया होगा, ए ई सब दिया रहेगा, खाली पी की जगह पे आपको कुछ नहीं लिखा, पी अननोन होगा आपका, पी की जगह पी लिखना होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पी निकल जाएगा, है ना, जो वो नॉर्मल टेंशन है, इसको पी पी एन है ना, नॉर्मल टेंशन मतलब पी एन से एन फॉर नॉर्मल, पी फॉर पुल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग फॉर्मूला में 24 n square इंटू पी एम स्क्वायर होता है, तो n नहीं लिया है, n के जगह पे 1 ही लिखा है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड केस जो है मैं जो आप दो ही जगह से इस साइड से खींचता है कि इस साइड से खींचता है, तो n 1 ही रहता है, कभी कभी n 2 रहता है, तो n 1 वाला सिचुएशन लेके ये क्वेश्चन बनाया है, n अगर 2 होगा तो फिर वो अलग केस होगा, है ना, ठीक है। नॉर्मल टाइप समझ में आ गया। अब जो है
चेन करेक्शन, वो सब जो है हम लोग देख रहे थे कि मतलब टेम्परेचर के वजह से, सैग के वजह से या पुल के वजह से जो करेक्शन होता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट जगह कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है, और इसलिए उसका टेप करेक्शन नाम दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पर टेप यूज़ करते हैं। चेन करेक्शन में कैसा करेक्शन यूज़ होता है कि जैसे चेनिंग करने हम लोग गए तो पता था, हम ये सोच के गए थे कि 20 मीटर वाला चेन है ना, तो लेकिन उसको हम वहाँ पर जाने मतलब ये करने से पहले, चेन करने से पहले चेन को मेज़र करके देखते हैं कि 20 मीटर है कि बढ़ गया, तो मान लो कि वो बढ़ गया होगा, कुछ बढ़ गया होगा है ना, तो उससे जो आप लंबाई मेज़र कर लोगे एरिया, मतलब कोई लंबा चौड़ा मेज़रमेंट करना है तो आपने मेज़रमेंट तो आपको उसको घटाने का उपाय है नहीं वहाँ पे, या मान लो घट गया होगा तो बढ़ाने का उपाय है, लेकिन मान लो कि आपके पास वही उपाय है कि आपको उसी से करना है ना, तो उसी से आपको अगर मेज़रमेंट करना पड़ गया तो आप जो मेज़रमेंट करोगे वो तो रॉन्ग हुआ ना, तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे, उस डिस्टेंस का करेक्शन कैसे करेंगे, मतलब गलत चेन लेंथ से आप मेज़रमेंट कर लिए तो है ना, तो आपका मेज़र्ड जो लेंथ हुआ, आपने जो मेज़रमेंट किया वो तो गलत है, एक्चुअल वो दूरी क्या होगी है ना जिस जो आपने मेज़र किया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, तो उसको ये चेन करेक्शन का पहला है, करेक्शन अप्लाई टू द इनकरेक्ट लेंथ है ना, उसमें क्या है कि एल डैश होगा कि चेन का फिलहाल वाला जो लेंथ है, मतलब लंबाई जो उसका बढ़ घट के होने के बाद जितना हुआ है, जैसे 20 पॉइंट समथिंग हो गया है या 19 पॉइंट कुछ हो गया, तो एल डैश है ना, मतलब एरर के साथ वाला 20 मीटर प्लस या माइनस एरर जो भी हुआ होगा है ना, अगर बढ़ गया होगा तो प्लस एरर, घट गया होगा तो माइनस एरर, और एल जो है वो स्टैंडर्ड लेंथ है 20 मीटर, अगर 20 मीटर का चेन है तो मेजर्ड लेंथ है कि जो आपने उस गलत वाले चेन से जो मेज़र कर लिया डिस्टेंस वो, तो ट्रू लेंथ हम लोग का होगा एल डैश बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ है ना, मतलब गलत चेन का लेंथ जो आपने एयर के साथ वाला था डिवाइड बाई स्टैंडर्ड लेंथ इंटू जो है जो आपने मेज़र कर लिया जो डिस्टेंस उसी गलत चेन से जो भी वैल्यू आया हो तो वो कर दीजिएगा, तो आपको एक्चुअल जो यहाँ से वहाँ की दूरी है जो आपने गलत चेन से भी मेज़र कर लिया तो एक्चुअल दूरी आपको पता चल जाएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। ट्रू लेंथ इक्वल टू एल डैश बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ ML है ना, एल डैश जहाँ पे एरर के साथ वाला चेन का लेंथ है और ये विदाउट एरर वाला है ना, तो ये जो लगाते हैं जनरली हम लोग। अब इसमें जो है जैसे ये एल डैश है, एल डैश बता रहा है कि एल प्लस माइनस एरर है ना, एरर चाहे जो भी हो, बढ़ गया होगा तो एरर प्लस ई और घट गया होगा तो माइनस ई, तो ये एरर जो है ये कहाँ से आएगा, या तो आप वहाँ पर फील्ड में नापो, या नहीं तो वो जो पीछे जो कैलकुलेशन टेप करेक्शन में पढ़ रहे थे वो चेन के लिए अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं है ना, तो ये चीज़ है ना, एल डैश होगा मतलब कि गलत चेन का लेंथ जो वहाँ पे आ चुका है ना वो होगा एल डैश, 20 से प्लस हो गया या माइनस जितना हो गया वो बोला होगा, ठीक है। तो ये चेन करेक्शन का ये पहला था, करेक्शन अप्लाई टू द इनकरेक्ट लेंथ। अब इनकरेक्ट एरिया के लिए भी होगा, मतलब उसी गलत चेन लेंथ आपको पता था 20 पॉइंट समथिंग मीटर चेन का लेंथ था, उसी से आपने सब कुछ मेज़र किया, लंबाई भी मेज़र किया, चौड़ाई भी मेज़र किया, एरिया भी निकाल दिया है ना, तो आपका वो एरिया तो सही एरिया नहीं है जो आप कैलकुलेट किए, तो उसके लिए ट्रू एरिया का फॉर्मूला ये होगा एल डस बाई एल का होल स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया, ये लगा दोगे तो आप करेक्ट एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और चेन करेक्शन में एक ये भी है हाइपोटेनस अलायंस, बोल रहे हाइपोटेनस अलायंस पीछे पड़े हैं हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड को का चेनिंग करने के में है ना, तो उसमें हम लोग बता रहे थे कि चेनिंग करते हुए ये बड़ा आसान होता है, हाइपोटेनस अलाउंसेस जितना करेक्ट करना है 20 मीटर मेज़र करो प्लस अलाउंसेस जो है अलाउंसेस वो ऐड कर दीजिए या वहाँ पे एरो कर दीजिए, तो आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल दूरी जो है 20-20 मीटर पे एस्टैब्लिश होता चला जाता है ना, चेनिंग प्रोसेस में ये खूब यूज़ करते हैं, तो इसको भी जो है चेन करेक्शन लगाया है कि हाइपोटेनस अलाउंसेस जो है हमेशा ऐड करते हुए जाते हैं और वो एल इंटू 60 माइनस 1 होता है ना, ये जो हमेशा दिस अलाउंसेस ऑलवेज बी एडेड टू द चेन लेंथ, हर 20 मीटर मेजर करके कुछ हाइपोटेनस अलाउंसेस ऐड कर देते हैं, जो पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा ना, तो वो चीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो शायद हो गया यहाँ पे, बस इतना ही था, अब क्वेश्चन हम लोग को देखने है ना, ये सब जो अभी फार्मूला जो पढ़े हैं कि कितना क्या एरर्स होता है, एरर हो गया तो ट्रू लेंथ क्या होगा, गलत मेज़र कर लिए तो सही मेज़रमेंट क्या होना चाहिए था, ठीक है, ये सब पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।